ऋतिक रोशन को तो हम सुपरहीरो लुक में ही देखने में बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि कोई मिल गया क्रिश और क्रिश 3 ब्लॉकबस्टर हुई तो वही प्रूफ करते हैं। पर ये हैंडसम ऋतिक तो हर लड़की की क्रश है, तो फिर उसका तो कुछ रोमांटिक मूवी देना जरूरी था। हाँ दोस्तों, आज मैं ऋतिक रोशन के रोमांटिक मूवियों के बारे में बताने वाली हूँ, तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, कहो ना प्यार है। 2000 में राकेश रोशन डायरेक्टेड ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म था कहो ना प्यार है। इसमें ऋतिक रोशन अमीषा पटेल लीड रोल पर था और इसमें एक म्यूजिक लवर लड़का और लड़की के बीच गहरा प्यार दिखाया गया था, जिस प्यार एक स्वर्ग जैसा था, फिर अचानक फिटनेस सब कुछ छीन लेता है। और इस फिल्म में आपको कुछ सुंदर सुंदर रोमांटिक सॉन्ग सुनने को मिलेगा। और ये फिल्म तो मैं कई बार देख चुकी हूँ, और ऋतिक रोशन के सभी फिल्मों में ये कहो ना प्यार है तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म है। नंबर 2, ना तुम जानो ना हम। 2002 में अर्जुन सबलोक डायरेक्टेड फिल्म था ना तुम जानो ना हम। इसमें ऋतिक रोशन, एशा देओल, साइफ अली खान लीड रोल पर था। इस फिल्म में चिट्ठियों से एशा को प्यार हो जाते हैं और वो भी ऋतिक रोशन को देखे बिना ही। पर अचानक एशा को फैमिली उनकी शादी ठीक करते हैं साइफ अली खान के साथ। इसमें सभी का एक्टिंग स्किल और एक्सप्रेशन की काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला था। नंबर 3, मुझसे दोस्ती करोगी। 2002 में कुनाल कोहली डायरेक्टेड एक रोमांटिक फिल्म था मुझसे दोस्ती करोगी। इसमें ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर लीड रोल पर था। इसमें तीन बचपन के फ्रेंड के बीच एक लव स्टोरी दिखाई गई है, जिसका लाइफ में सबसे अच्छे फ्रेंड ही उनका लवर बन गई, उसको तो ये फिल्म देखना ही चाहिए। नंबर 4, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। 2003 में सूरज बरजातिया डायरेक्टेड रोमांटिक फिल्म था मैं तो प्यार की दीवानी हूँ, और इसमें ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन लीड रोल पर था। और इस फिल्म में दोनों लड़का एक लड़की से प्यार करते हैं और एंड पर एक का जीत होता है। और आप कोई ट्रायंगल लव से गई है तो ये मूवी आपके लिए है। नंबर 5, काइट्स। 2010 में अनुराग बसु डायरेक्टेड वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक फिल्म था काइट्स। इसमें ऋतिक रोशन, बरबारा मरी, कंगना रावत लीड रोल पर था। इस फिल्म में कल्चर, धर्म, भाषा अलग होने के बावजूद भी दोनों लवर ने एक दूसरे के प्यार से डूबकर रहते थे, पर कुछ अनएक्सपेक्टेड बिट्रे की वजह से एक सैड एंडिंग होता है। मुझे ये फिल्म बहुत हार्ट टचिंग लगी, आपको क्या लगा कॉमेंट करके मुझको बताना। नंबर 6, गुजारिश। ये 2002 में संजय लीला बंसली डायरेक्टेड रोमांटिक फिल्म था। इसमें ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आदित्य राय कपूर लीड रोल पर था। इसमें ऋतिक एक रिनोन्ड म्यूजिशियन था, पर बाद में पैरालाइज्ड हो जाते हैं और फिर वो इच्छा मृत्यु के लिए अदालत से निवेदन करते हैं। इसमें ऐश्वर्या ऋतिक को देखभाल करने के वक्त दोनों के बीच एक साइलेंट पेयर हो जाते हैं। नंबर 7, सुपर 30। 12 जुलाई 2019, विकास वाल डायरेक्टेड सुपर 30 एक अपकमिंग मूवी है। इसमें ऋतिक रोशन और मुनाल ठाकुर लीड रोल पर है। ये मैथमेटिशियन अनंत कुमार की लाइफ बेस्ट फिल्म है, जिन्होंने अनप्रिविलेज स्टूडेंट को आईआईटी के लिए तैयार करते हैं। हाँ मानता हूँ ये फिल्म बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, फिर भी इसमें ऋतिक और मुनाल ठाकुर के बीच एक क्यूट और इनोसेंट सा लव दिखाया जाएगा। मुझे इंतजार है सुपर 30 के लिए। और दोस्तों आपको क्या लगता है, सुपर 30 का हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर क्या हो सकते हैं, कमेंट करके मुझको बताना। ये रहा ऋतिक रोशन की कैरियर में कुछ रोमांटिक फिल्मों के बारे में। इस फिल्मों से आपको कौन सी फिल्म अच्छे लगे कमेंट करके मुझको बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और इस तरह के बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मलिशा जिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।